हेलो एवरीवन, आज डेट है 10th of July 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC स्टेट PCS एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था नंदा देवी नेशनल पार्क को लेकर के, तो नंदा देवी नेशनल पार्क को अगर हम मैप में व्यू करें, नंदा देवी नेशनल पार्क नॉर्दर्न इंडिया में वेस्टर्न हिमालय में उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। उत्तराखंड स्टेट में नंदा देवी पीक है और नंदा देवी पीक के सराउंडेड एरिया में ये नेशनल पार्क लोकेटेड है। बात कर लेते हैं नंदा देवी पीक की। नंदा देवी पीक जो है हमारे इंडिया में सेकंड हाईएस्ट पीक के रूप में लोकेटेड है आफ्टर कंचनजंगा, लेकिन एंटायरली इंडिया की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर लोकेटेड है नंदा देवी पीक, क्योंकि कंचनजंगा पीक जो है वो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पर लोकेटेड है। नंदा देवी नेशनल पार्क से अदर रिलेटेड फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो जास्कर रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज का जो ट्रांजिशन जोन है वहाँ पर लोकेटेड है। नंदा देवी नेशनल पार्क बहुत सारी रिवर्स के कैचमेंट एरिया के रूप में भी लोकेटेड है और उन रिवर के नेम है अलकनंदा रिवर एंड इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जिसमें है ऋषि गंगा, धोली गंगा, पुष्पावती एंड खीर गंगा। इन रिवर के कैचमेंट एरिया के रूप में लोकेटेड है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क को 1982 में नेशनल पार्क का डेजिग्नेशन दिया गया था। स्टार्टिंग में इसको संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से एस्टेब्लिश किया गया था, बाद में इसका नेम चेंज करके नंदा देवी नेशनल पार्क कर दिया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी दिया हुआ है नंदा देवी नेशनल पार्क को। नंदा देवी नेशनल पार्क में बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें अगर हम डिस्कस करें तो एशियाटिक ब्लैक डियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर एंड ब्लू सिप की ये जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है श्रीलंका को लेकर के। श्रीलंका में जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लेकर के एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई है। उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है कोलंबो में, वहाँ पर इन प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में जा कर के, जिसके बाद में 13 जुलाई को जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्सा वो रेजिग्नेशन दे देंगे। आप सभी को पता है श्रीलंका में काफ़ी लंबे टाइम से इशू चल रहा है। वहाँ पर पहले इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वहाँ की इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक नेसेसरी रोल प्ले करते हैं किसी की ह्यूमन बीइंग के लाइफ में, उन सभी के जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक लेवल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स कि श्रीलंका में ये जो इशू है वो क्यों देखने को मिला, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो क्यों स्टार्ट हुआ। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे। 2009 में लंबे टाइम से लगभग 26 साल से वहाँ पर श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था और 2009 में काफ़ी लंबे टाइम से इस सिविल वॉर को लेकर के यहाँ पर रेगुलर वॉर चल रहा था। उस वॉर से एक लिब्रेशन का फॉर्म आया श्रीलंका में 2009 में। जैसे ही लिब्रेशन फॉर्म में आया या श्रीलंका इमर्ज हुआ सिविल वॉर से, तो यहाँ की जो GDP ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रही थी, लेकिन श्रीलंका ने अपने टाइम के साथ में अपनी इकोनॉमी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। श्रीलंका की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर और कुछ यहाँ पर जैसे टी, रबर या फिर कुछ गारमेंट्स जो है उसका ही एक्सपोर्ट किया जाता था। ज़्यादातर श्रीलंका जो है वो अदर कंट्रीज से इम्पोर्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को डिपेंडेंट उन्होंने बनाए रखा और इसी का रीज़न रहा कि 2012-13 आते आते श्रीलंका में क्राइसिस देखने को मिला। वहाँ की जो GDP जो है वो एकदम वहाँ पर स्लो डाउन क्रिएट होने लग गया। टूरिज्म सेक्टर पर ज़्यादातर डिपेंड है श्रीलंका की इकोनॉमी, जिसकी वजह से
2019 में यहाँ पर ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से श्रीलंका में जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड स्टेज में चला जाता है। और उसके ही नेक्स्ट ईयर 2020 में आप सभी को पता है कि कोविड आ जाता है। कोविड की वजह से जो कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया कि दूसरे कंट्रीज से जो लोग हैं वो ना आए, मतलब टूरिज्म सेक्टर है वो जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ। अब किसी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड ही टूरिज्म सेक्टर पर पड़ती थी, टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंडेंट थी, तो उस कंट्री पर तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। और यही रीजन रहा कि श्रीलंका में टाइम के साथ में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। इसके बाद में श्रीलंका ने क्या डिसीजन लिया कि उन्होंने 2021 में अचानक से ये डिसीजन लिया कि हमारी जो कंट्री है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर की जाएगी, मतलब हम फर्टिलाइजर्स का जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो डिसीजन है वो ओवरनाइट लिया गया, जिसकी वजह से देखो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, तो उसके लिए एक बेसिक ग्राउंड तैयार किया जाता है। पहले श्रीलंका को क्या करना चाहिए था, अपने कुछ स्टार्टिंग एरिया में, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में जो है वो फर्टिलाइजर्स के बिना फार्मिंग करते, फिर उसका क्या रिजल्ट रहता उसी के बेसिस पर कंप्लीट नेशन पर इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए था, जिसकी वजह से जो फूड क्राइसिस वहाँ पर देखने को मिला। देखो जब पहले फर्टिलाइजर का यूज़ किया जा रहा था फार्मिंग में, फिर फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया जा रहा, तो अचानक से जब आप ऐसी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स लेवल पर जो आप एक्स्ट्रा पुटअप दे रहे थे फार्मिंग में, जब एक्स्ट्रा पुटअप देना बंद किया तो जो भी प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला। तो जिसकी वजह से पहले फाइनेंशियल क्राइसिस था, फिर यहाँ पर फूड क्राइसिस भी इंक्रीज हो गया। तो ये कुछ इशू रहे जिसकी वजह से श्रीलंका में ये सारे जो प्रेजेंट टाइम में जो क्राइसिस है वो रेगुलर चलता जा रहा है। इंडिया ने अपनी तरफ से असिस्टेंस देने की यहाँ पर रेगुलर कोशिश की है। इसका मेजर रीजन ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे नेबर कंट्री जो भी हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को वेल तरीके से एस्टेब्लिश कर सकें, क्योंकि चाइना हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो हमारा नेबर कंट्री है चाइना, जिस तरीके से वो अपनी पॉलिसी को एक्सपेंड कर रहा है और वो सारे कंट्रीज जहां पर इस तरीके के क्राइसिस हैं वहां पर इकोनॉमिक सपोर्ट दे करके फिर उनको अपने डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इंडिया ने टाइम टू टाइम यहां पर फाइनेंशियल बेसिस पर असिस्टेंस देने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड के बेसिस पर, मेडिसिन के बेसिस पर हर सेक्टर में अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड करने की यहां पर कोशिश की है। तो ये श्रीलंका रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो आपको पता होना चाहिए कि क्या इशू हैं। देखो श्रीलंका में जो इशू चल रहा है सेम इसी तरीके का किसी भी कंट्री को इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सीखने की बात यह है कि किसी भी कंट्री को किसी वन फॉर्म ऑफ इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपनी जो इकोनॉमी है उसको मल्टीलेटरल, मल्टी डायमेंशनल क्रिएट किए जाने की कोशिश है, ताकि अगर एक सेक्टर जो है इफेक्ट भी होता है किसी वजह से तो दूसरे सेक्टर की वजह से जो इकोनॉमी है वो रेगुलर चलती रहे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो एक कमेटी है या उसके कुछ मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान की विजिट पर जाएंगे, और पाकिस्तान की विजिट पर जाकर के वो ये डिस्कस करेंगे, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जो जो पॉइंट डिस्कस किए गए थे, जो जो पॉइंट्स दिए गए थे पाकिस्तान को, आप सभी को पता है कि पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकलने की पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है। इसी की बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इस सभी की जानकारी हासिल करने के लिए FATF की मीटिंग वहाँ पर, जो कमेटी है वो वहाँ पर जाएगी, इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो वहाँ पर जाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि बेसिक लेवल पर कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मसूद अजहर, जो हमारे इंडिया में IC-814 एरोप्लेन हाईजैक हुआ था 1999 में और पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, उसमें इन्वॉल्व था, मतलब हमारे इंडिया में जो टेरर अटैक्स हुए कुछ बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व था ये पर्सन, तो इसको अरेस्ट करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि हो सकता है कि अफगानिस्तान में इसकी प्रेजेंस हो, मसूद अजहर की और उसके भाई अब्दुल राउफ असगर की। ओके, तो एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्ट वांटेड है जैसे मोहम्मद ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसके फाउंडर हैं और हमारे इंडिया में ये मोस्ट वांटेड हैं। ओके, अब यहाँ पर FATF से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। देखो फाइनेंस, यहाँ देखिए एक सेकेंड, FATF
एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। 1989 में G7 ग्रुप की पेरिस में जब मीटिंग चल रही थी उस टाइम इसको एस्टेब्लिश किया गया था। स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग को मेंटेन करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जो इशू है उसको ही रेगुलेट करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 2001 में FATF का जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज कर दिया गया और इसमें टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया गया। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के बेसिस पर अगर कोई थ्रेट मिलती है इंटरनेशनल लेवल पर या फिर किसी कंट्री को, तो उन सभी को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा FATF। FATF से रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की। तो FATF का जो हेडक्वार्टर है वो OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पर लोकेटेड है। अब ये OECD क्या है, OECD के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1961 में फाउंड किया गया था। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और 38 इसके मेंबर हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपको बेसिक फैक्ट ध्यान में रखना है। अभी अगर हम 2022 के प्रीलिम्स की बात करें UPSC की, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के नेम देकर के पूछ लिया था कि इंडिया इसका पार्ट है या नहीं है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया बिलोंग करता है और कौन से नहीं करता है। तो OECD का इंडिया मेंबर नहीं है, लेकिन एक की इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में रोल प्ले करता है। इसको इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो OECD में जो कौन कौन से कंट्री जो इसके मेंबर हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हाई इनकम इकोनॉमी वाले कंट्री हैं या फिर वहाँ पर SDI इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वेरी हाई लेवल का है, वो कंट्री जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। FATF जो है इसमें अगर हम बात करें तो 39 मेंबर हैं FATF में और इंडिया इसका मेंबर है। इसके अलावा इसमें दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन यूनियन और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है वो भी इसके मेंबर के रूप में, मतलब दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसके पार्ट हैं। FATF जो है वो दो लिस्ट मेंटेन करता है, एक है ग्रे लिस्ट और एक है ब्लैक लिस्ट। कोई भी कंट्री अगर वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट किया जा रहा है तो उस कंट्री को एक थ्रेट के रूप में पहले उसको ग्रे लिस्ट में मेंटेन किया जाता है, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अगर वो कंट्री टाइम के साथ में अपने यहाँ पर चेंजेस करता है, बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करता है उन सारे जो भी उसको प्रोविज़न दिए जाते हैं, तो उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर वो कंट्री नहीं मानता है, उस कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर काम नहीं हो रहा है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लैक लिस्ट में, और ब्लैक लिस्ट में भी फिर उसको कुछ प्रोविज़न दिए जाते हैं। अगर वो चेंज करता है तो उसको वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो ये FATF से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आप सभी को पता है अमरनाथ यात्रा जो है प्रेजेंट टाइम में चल रही है, और इसकी उस टाइम में अमरनाथ यात्रा के टाइम में एक इशू देखने को मिला, क्लाउड बस्ट जो है देखने को मिला। हालांकि बाद में जो यहाँ पर जो भी हमारी सिक्योरिटी जो है पर्सनल यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि क्लाउड बस्ट जो इशू नहीं था। ओके, IMD ने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो है वो क्लाउड बस्ट नहीं था। हाँ, हालांकि लगभग 2 आवर्स तक यहाँ पर हैवी रेन देखने को मिली, जिसकी वजह से फ्लडिंग जो है वो इश्यू क्रिएट हो गया। अब ये क्लाउड बस्ट क्या होता है, क्लाउड बस्ट में क्या होता है कि कम टाइम में किसी एरिया में हैवी रेन अगर देखने को मिले तो उसको क्लाउड बस्ट इश्यू के नाम से जानते हैं। जैसे कि 1 आवर में 100 mm की रेन अगर किसी वेदर स्टेशन पर हो जाए तो उसको क्लाउड बस्ट फिनोमिना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, लगभग 2 आवर में 31 mm की रेनफॉल देखने को मिली और इसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ। यहाँ पर IMD की बात की गई है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। तो आप सभी को पता है कि IMD जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, उसकी एक इम्पोर्टेंट असिस्टेंट के रूप में काम करता है IMD। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले एक इशू क्रिएट हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल वीमन के ऊपर
यह आरोप लगाया गया कि ट्राइबल वुमन के ऊपर कुछ लोगों ने पेट्रोल डीजल छिड़का, उसके बाद में आग लगा दी, क्योंकि उनको लैंड एरिया को लेकर के कुछ डिस्प्यूट था। हालांकि जो जिन लोगों को फिर अरेस्ट किया गया, उन्होंने बोला है कि वीमेन ने खुद ने अपने ऊपर ये सारा जो वर्क है वो किया। अब वो वीमेन जो है उनकी 80% जो है वो जल चुकी थी, हॉस्पिटल उनको एडमिट किया गया और वो जो वीमेन है उनकी डेथ हो गई है। ये जो वीमेन जो थी वो सहरिया कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, मतलब PVTG ग्रुप से, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप से। PVTG जो ग्रुप है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो हम इससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। देखो, PVTG ग्रुप, जिसको सबसे पहले PTG ग्रुप के नाम से जानते थे, PTG मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, सबसे पहले डेबर कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमारी सोसाइटी में अभी भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनका टाइम के साथ में अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। जो हमारी शेड्यूल कास्ट हैं उन्हीं के कुछ पार्ट हैं जिनका टाइम के साथ में अपग्रेडेशन नहीं देखने को मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट में से जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनको हमें अलग से निकाल करके, जिनका टाइम के साथ में डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हुई है, उनके लिए हमें एक अलग ग्रुप बनाया जाना चाहिए। और इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, डेबर कमीशन की रिकमेंडेशन को ही इम्प्लीमेंट करते हुए, जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1975 में PTG ग्रुप बनाया, और PTG ग्रुप में उन्होंने 52 ऐसे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसको इसमें इन्वॉल्व किया। अब टाइम के साथ में और ग्रुप्स इसमें ऐड किए गए और 1993 में 23 ग्रुप जो है वो और इसमें ऐड किए गए। प्रेजेंट टाइम में 75 ट्राइबल ग्रुप जो हैं वो PVTG ग्रुप में आते हैं। 2006 में जो PTG ग्रुप, जिसको स्टार्टिंग में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना गया था, 2006 में उसका नेम चेंज कर दिया गया और फिर उसको PVTG के नाम से जाना जाने लगा। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में 18 स्टेट्स में और 1 UT में ये जो PVTG ग्रुप की जो पॉपुलेशन है वो लोकेटेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो जो ओडिशा स्टेट है वहाँ पर 13 PVTG ग्रुप रहते हैं, और जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पर 12 PVTG ग्रुप रहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्रुप है शेड्यूल कास्ट का, ये जो ग्रुप है ट्राइबल ग्रुप, वो PVTG ग्रुप में आएगा? तो इसको लेकर के 4 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। कोई भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप जहाँ पर अभी भी जो एग्रीकल्चर की जो क्राइटेरिया है, प्री एग्रीकल्चर लेवल टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, मतलब एग्रीकल्चर की जो नई टेक्नोलॉजी है उनका अभी भी उस ट्राइबल ग्रुप में यूज़ नहीं किया जा रहा है। दूसरा, अगर कोई भी ट्राइबल ग्रुप उसकी पॉपुलेशन टाइम के साथ में इंक्रीज़ नहीं हो रही है, या तो स्टैग्नेंट फॉर्मेशन में बनी हुई है, मतलब आज से 10 साल पहले भी यहाँ पर 100 ही लोग थे इस ट्राइबल ग्रुप में, अभी भी 100 ही लोग हैं, इसका रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस नहीं पहुँच पा रहा होगा, जिसकी वजह से जो डेथ रेट है वो रेगुलर सेम बनी हुई होगी। ओके, मतलब और जो मेडिकल असिस्टेंस क्यों नहीं पहुँच पा रहा होगा, क्योंकि वो सोसाइटियल बेसिस पर एक तरीके से अपने आप को सेग्रीगेट स्टेज में रखते हैं, मतलब सोसाइटी में वो इन्वॉल्वमेंट अपना शो नहीं करते हैं। तो ये कुछ रीजन है। फर्स्ट क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया, सेकंड क्राइटेरिया ये है, और थर्ड क्राइटेरिया है ये है कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी लो लेवल पर हो, और फोर्थ क्राइटेरिया ये है कि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ ना हो रही हो, इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डिग्रेडेड स्टेज में हो। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया किसी ट्राइबल ग्रुप में देखे जाते हैं, तो या फिर इनमें से एक या दो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया भी देखा जाता है, तो उस ट्राइबल ग्रुप को PVTG में इंक्लूड कर दिया जाता है। हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये टाइम टू टाइम PVTG ग्रुप के लिए बहुत सारी स्कीम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करती है, ताकि इनका अपग्रेडेशन जो है वो टाइम के साथ में हो सके। तो ये PVTG ग्रुप से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रेड पांडा को लेकर के है। देखो, वेस्ट बंगाल में कुछ नेशनल पार्क हैं, जिसमें है सिंगालीला नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पर जल्द ही रेड पांडा मिलने वाला है।
देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि दार्जिलिंग हिल्स में कुछ जू हैं, वहाँ से रेड पांडा को फॉरेस्ट एरिया में भेजा जा रहा है। हालांकि पहले कुछ स्टडी हुई उसमें ये देखा गया कि जब इस तरीके से फॉरेस्ट एरिया में रेड पांडा को भेजा गया तो उनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन इसको लेकर के जो जू के रिसर्चर्स हैं उन्होंने बोला कि एक टाइम के साथ में स्टडी की जाती है और फिर ये देखा जाता है कि कौन से रेड पांडा को जो है वो वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया में भेजा जा सकता है। तो एक प्रोसीजर के थ्रू जो है ये काम किया जाता है। यहाँ पर माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है वहाँ पर एक रेड पांडा की एक पिक्चर जो है वो शो कर रखी है। तो ये जो भी नेशनल पार्क हैं इनके नेम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर बता रखा है IUCN के बारे में कि IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटन्ड स्पीसीज की, उसमें ये जो रेड पांडा है वो एक तरीके से एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है और इकोलॉजिकल चेंजेस के रूप में भी इंडिकेटर स्पीसीज के रूप में इसका जाना जाता है। एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, दो तीन स्टेटमेंट दे दिए गए, दो तीन स्पीसीज के नेम दे दिए गए और पूछ लिया गया कि इकोलॉजिकल चेंज या क्लाइमेट चेंज के रूप में कौन सी स्पीसीज जो है वो जानी जाती है। तो ये जो रेड पांडा है वो इकोलॉजिकल चेंज के लिए इसको इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। IUCN की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फ्लोरा एंड फोना के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है और फिर टाइम के साथ में इन्होंने रेड लिस्ट बनाई जिसमें जो स्पीसीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी दी गई, जिसकी पॉपुलेशन में टाइम के साथ में डिक्रीज हो रहा है उसके अपग्रेडेशन के लिए ताकि नई नई स्कीम चलाई जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, सॉरी, पेज नंबर थर्ड पर है। पेज नंबर थर्ड पर जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बताया गया है कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। उन्होंने ये बोला कि अभी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में उन्होंने जो हमारे होम मिनिस्टर जो जोनल काउंसिल के हेड होते हैं उनको हमने एक रिकमेंडेशन दी कि चंडीगढ़ में हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टेब्लिश करने के लिए आप हमें एरिया दीजिए और इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया। तो यहाँ पर पंजाब के जो CM हैं भगवंत मान, उन्होंने भी बोला कि हमें भी चंडीगढ़ जो है, आप सभी को पता है चंडीगढ़ UT है और चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल के रूप में भी लोकेटेड है। तो यहाँ पर चंडीगढ़ में जो पंजाब के जो CM हैं उन्होंने भी मांग की है कि भाई चंडीगढ़ में हमें भी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने का एरिया दो। तो यहाँ पर जो पंजाब में जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने ये बात रखी कि चंडीगढ़ जो है वो तो कम्प्लीटली पंजाब का है। तो पंजाब के जो CM हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दे करके जो हमारी एक डोमिनेंस पावर थी चंडीगढ़ को लेकर के उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर दी है वहाँ के CM ने। ओके, अब यहाँ पर चंडीगढ़ को लेकर के आप सभी को पता है कि रेगुलर हम ये डिस्कशन किया जाता है कि जो भी पंजाब और हरियाणा का जो एक कोर्ट है उसको भी बाइफर्केशन करने की बार बार डिमांड आती है। तो यहाँ पर हरियाणा के CM ने ये बोला है कि बहुत साल पहले हम इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में आ गए थे लेकिन अभी भी कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिनके बेसिस पर हम पंजाब से एफिलेटेड हैं और हम अपने आप को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट चाहते हैं। यहाँ पर बात की गई है जोनल काउंसिल की, तो जोनल काउंसिल से रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और कुछ अदर फैक्ट्स हैं उनके साथ में इनको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। देखो जो जोनल काउंसिल है, जोनल काउंसिल इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके थ्रू, मतलब एक स्टेचुरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश है जोनल काउंसिल। कंप्लीट इंडिया को 5 जोनल काउंसिल में डिफ्रेंशिएट किया गया है, कंप्लीट इंडिया के जो स्टेट हैं और UTs हैं उनको 5 जोनल काउंसिल में डिवाइड किया गया है। जोनल काउंसिल का फॉर्मेशन करने का मेन रीजन ये था कि 1956 में आप सभी को पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसमें जो स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होने लगा, टाइम टू टाइम जो है वो नए नए स्टेट की बनने की डिमांड होने लगी। तो यहाँ पर जोनल काउंसिल को इसलिए एस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो स्टेट्स हैं उनके आपस में कोऑपरेशन जो है वो इंक्रीज हो सके, स्टेट टू स्टेट बेसिस पर जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो और सेंटर के साथ में भी उनका कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन जो है वो इंक्रीज हो। इसके बेसिस पर जोनल काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया 1956 में। ये जो जोनल काउंसिल होते हैं इसमें 5 जोनल काउंसिल हैं और इनका जो हेड होता है वो यूनियन होम मिनिस्टर होता है और इनका जो वाइस प्रेसिडेंट मतलब वाइस हेड जो होता है वो स्टेट के जो भी
स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूटीज के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो टाइम टू टाइम रोटेशन बेसिस पर होते हैं। दूसरा हम कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं उनके लिए बनाई गई थी 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट के अंडर। मतलब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो भी स्टेचुरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टेब्लिश है। देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सिक्किम जो था पहले जो हमारी ईस्टर्न जोनल काउंसिल है उसका पार्ट था, लेकिन बाद में टाइम के साथ में सिक्किम को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में सेटल कर दिया गया। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का जो हेड होता है वो भी यूनियन होम मिनिस्टर होता है, लेकिन इसका जो वाइस हेड जो होता है वो एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी डोनियर के नाम से जिसको जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए मिनिस्ट्री बनाई गई थी और इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो इसके वाइस हेड होते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं तो हमें पता होना चाहिए। तो अभी नर्दन जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है और इसी में ही हरियाणा के सीएम ने ये सारी डिमांड की है। अब यहाँ पर हम हरियाणा का किस तरीके से हरियाणा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट में आया उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मास्टर तारा सिंह जो हैं उन्होंने ये डिमांड करना स्टार्ट किया था कि जो पंजाब स्टेट है उसको बाइफरकेट किया जाए, पंजाब स्टेट को बाइफरकेट किया जाए, यहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज वालों के लिए अलग स्टेट बनाया जाए और इस स्टेट में जो अदर लैंग्वेज के बेसिस पर जो भी पॉपुलेशन है उनको यहाँ से निकाल करके दूसरा एरिया एस्टेब्लिश किया जाए। तो फिर मास्टर तारा सिंह ने जब ये प्रोटेस्ट किया और ये मांग की तो उन्हीं की डिमांड पर एक कमीशन बनाया गया, शाह कमीशन, और शाह कमीशन ने 1966 में ये रिकमेंडेशन दी कि पंजाब का जो पंजाबी लैंग्वेज वाला रीजन है उसको पंजाब के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए और इसमें जो हिंदी लैंग्वेज वाले जो एरिया है उसको हरियाणा के रूप में एस्टेब्लिश किया जाए और पंजाब का जो हिली रीजन है उसको सेटल किया जाए हिमाचल प्रदेश जो पहले यूटी था उसमें, हिमाचल प्रदेश में इसका हिली रीजन सेटल किया गया और फिर ये जो हिमाचल प्रदेश है वो 1971 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हमारे इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पहले यूटी के रूप में लोकेटेड थे, ओके, उन सभी के नेम जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट हैं जो पहले यूटी थे और बाद में वो क्या बने, स्टेट बन गई, ओके। तो इस तरीके से जो हरियाणा है और पंजाब जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर और यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र जो स्टेट है वहाँ पर नई गवर्नमेंट बनी है और वहाँ पर बहुत टाइम पहले से ही कि लोकल बॉडीज़ में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए इसके लिए रेगुलर डिमांड चल रही थी। जो पहले प्रेजेंट टाइम में जो एकनाथ शिंदे जो हैं इससे पहले जो गवर्नमेंट थी शिवसेना की जिसमें उद्धव ठाकरे सीएम थे वो भी इस चीज़ को लेकर के डिमांड कर रहे थे। तो अभी एकनाथ शिंदे जो हैं उनका पहली फर्स्ट टेस्ट होगा कि वो लोकल बॉडीज़ में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। आप सभी को पता है कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री जो है वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। हमारे इंडिया में आर्टिकल 340 के तहत हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर है कि टाइम टू टाइम जो हमारी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए टाइम टू टाइम जो है वो कमीशन बनाए जाएं। तो इसको लेकर के 1953 के टाइम में काका कालेलकर कमीशन बनाया गया, उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1979 के टाइम में भी मंडल कमीशन बनाया गया। तो मंडल कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए, ओके। फिर उसके बाद में 1990 में जो वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट में काम किया, हालांकि ये जो रिजर्वेशन जो दिया गया उसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इंदिरा साहनी केस में ये डिसीजन लिया गया कि रिजर्वेशन जो है वो दिया जा सकता है लेकिन 50% की जो कैप है वो डिसाइड होनी चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन है वो नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो ओबीसी है, ओबीसी कोई कास्ट नहीं है, ओबीसी एक कलेक्टिव फॉर्म है जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी ग्रुप्स जो हैं वो इसमें आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो जॉब में रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी ग्रुप को 27%, उसके बाद में 2007-08 में आकर के ओबीसी को एजुकेशन लेवल पर भी रिजर्वेशन दिया गया हायर एजुकेशन में।
उसके अलावा अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो लोकल बॉडीज़ में भी रिजर्वेशन की मांग उठने लग गई है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेवल पर बात करें तो अभी क्या है, एससी और एसटी को रिजर्वेशन है। एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया जाता है। पहले एंग्लो इंडियन को भी रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया था, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो सीट जो डिसाइड की गई थी उसको अभी रिमूव कर दिया गया है। तो ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं है। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए स्टेट्स में डिमांड हो रही है। अभी एमपी में ओबीसी में लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन दिया गया है। और अगर हम बात करें तो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जुडिशरी ने यह बात रखी है कि 3 पॉइंट का एक ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, तभी जाकर के किसी स्टेट में लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दिया जाएगा ओबीसी को। इसमें पहले एक बॉडी जो है, एक कमीशन बनाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, वो इस स्टेट में इस चीज़ को लेकर के रिसर्च करें कि क्या ओबीसी की यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है और क्या उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, तब उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे डिसीजन जो है वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला के बेसिस पर किया जाए, ना कि किसी भी स्टेट में ओबीसी रिजर्वेशन दे दिया जाए। क्योंकि जुडिशरी ये बात बोल चुकी है कि जॉब में और हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन देना अलग बात है, और आपको एक इलेक्शन में, मतलब जो आपका जो भी इलेक्शन होते हैं, जो भी लोकल बॉडीज़ के या फिर लेजिस्लेटर के जो इलेक्शन होते हैं, इन सभी में आपको रिजर्वेशन देना अलग बात है। अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा जो है उसमें भी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है। ये ऑल इंडिया कोटा क्या है, 1986 से एक स्कीम स्टार्ट की गई थी कि जो भी हमारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डोमिसाइल फ्री जो है वो एंट्रेंस दिया जाए। मतलब कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, वो किसी भी स्टेट की मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन ले सकता है। तो इसमें ये जो ऑल इंडिया कोटा जो है, इसमें 2006-07 में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया था, और अभी जो है इसमें ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन दिया गया है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट बात रखी है कि कर्नाटका में 2 डेकेड पहले भीमा रिवर जो फ्लो होती है वहाँ पर कुछ बुद्धिस्ट साइट देखने को मिली थी, लेकिन इसके कंजर्वेशन के लिए कोई काम नहीं किया गया था। अभी जो है इसके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। 1994 से 2001 के बीच में एएसआई ने इसका एक्सकेवेशन कर दिया था इस साइट का, बुद्धिस्ट साइट का, और इसके बारे में ये बताया गया है कि अब इसका प्रिजर्व किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। देखो, जो भीमा रिवर है वो कृष्णा रिवर की इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसको चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं, और कृष्णा रिवर की ये सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। दूसरा, यहाँ पर बात आई है कि हम्पी के जो सर्किल सुप्रीटेंडेंट हैं उन्होंने भी ये बात रखी है। तो हम्पी क्या है, हम्पी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, और तुंगभद्रा रिवर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी लोकेटेड है, टैग्ड है हम्पी साइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। 1861 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोले जाते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हो गए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, एक सेकेंड, ये वही जो अभी हमने डिस्कस किया नॉर्थ जोनल काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, और सर्वे में ये बताया गया है कि हमारे हिमालयन रीजन पर जो ग्लेशियर हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो रहे हैं। इस स्टडी में ये बताया गया है कि इसका मेन रीजन ये है कि हमने हिमालयन रीजन में बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हैं, वहाँ पर बहुत सारे हैवी जो ट्रक्स हैं, हैवी जो मोटर व्हीकल्स हैं वो रेगुलर चल रहे हैं, चाहे हम बात कर लें डिफेंस लेवल पर या फिर सिविल लेवल पर। बहुत सारे लोग जो हैं वो टूरिज़्म के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा आने लग गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रिसर्च हुआ है। एक लंबे टाइम से डिस्कस किया गया है, जिसमें देखा गया है कि ग्लेशियर एरिया जो है वो भी डिक्रीज हुआ है, जो ग्लेशियर एरिया की जो अवेलेबिलिटी थी वो भी टाइम के साथ में श्रिंक हुई है। और इस सर्वे में ये भी बोला गया है कि अगर इसी तरीके से ग्लेशियर एरिया डिक्रीज होता रहा तो ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद में कम्प्लीटली जो है वो डिक्रीज हो सकता है कि यहाँ पर ग्लेशियर देखने को ही ना मिले। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फॉरेन पेज पर है, यहाँ पर जो श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट देखने को मिला उसी के बारे में बता रखा है।
यहाँ पर आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन इशू चल रहा है, तो यूक्रेन की जो मिलिट्री है उसको ट्रेन करेगा यूके, ओके। और यहाँ पर जल्द ही जो नया रिक्रूटमेंट किया गया है यूक्रेन मिलिट्री के लिए, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ब्रिटेन में। सेम इसी तरीके की ट्रेनिंग जो है वो पहले भी यूक्रेन को 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया वाले पार्ट को एनेक्स किया था, तब भी यहाँ पर ब्रिटेन ने हेल्प करने की कोशिश की थी यूक्रेन की, और उनकी मिलिट्री को इसी तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, ओके। सॉरी, कुछ नेट इशू है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये फॉरेन पेज पर यही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है साइंस पेज पर। साइंस पेज पर जो आर्टिकल है उसके बारे में मैं फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। देखो, एक तो वहाँ पर जो आर्टिकल है उसमें ये बताया गया है कि देखो, टाइम के साथ में जो फूड एरिया है, मतलब किसी भी जो क्रॉप है, कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें हम टाइम टू टाइम अदर अदर क्रॉप, अदर अदर जो प्लांट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो किसी भी फूड के ग्रो करने में, उसको रेयर करने में, उसको कल्टीवेट करने में जो भी एमिशन होता है उसको फूड कार्बन फुटप्रिंट के नाम से या फूड प्रिंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर साइंस पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा रख रखे हैं कि लास्ट 5 ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस तरीके से फूड एरिया को लेकर के जो एमिशन है, मतलब फूड सेक्टर में आपने कल्टीवेट किया तो उसमें एमिशन हो रहा है, उसको आपने ट्रांसपोर्ट किया तो उसकी वजह से एमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर 5 times जो है वो एमिशन ज़्यादा होने लग गया है फूड सेक्टर की वजह से। दूसरी बात ये है साइंस पेज पर ही, और उसमें आर्टिकल है पोलियो को लेकर के। पोलियो को लेकर के यूके जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात रखी है कि लोगों को पोलियो का जो वैक्सीन है वो अप्लाई की जानी चाहिए, क्योंकि अभी पोलियो के कुछ ट्रेसेस जो है वो लंदन में देखने को मिले थे। देखो, पूरे वर्ल्ड में अगर हम पोलियो की बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पोलियो जो है वो एंडेमिक बेसिस पर है, ठीक है, एंडेमिक डिजीज़ है। तो एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक मतलब कोई भी डिजीज़ किसी एरिया में जो है वो स्टैग्नेंट तरीके से चलती आ रही है, ओके। मान लो किसी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो पोलियो है उसके केसेज अभी भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगर टाइम के साथ में यही केसेज जो हैं वो किसी कंट्री में इंक्रीज़ होने लग जाएँ तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज़। और अगर यही केसेस जो हैं वो ना सिर्फ इन कंट्रीज़ में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी इंक्रीज़ होने लग जाएं तो उसको बोल देते हैं पेंडेमिक डिजीज़, ओके। तो पोलियो जो है, आप सभी को पता है पोलियो जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसफ़र होता है, और इस ये जो पोलियो वायरस है वो अपने आप को जो इंटेस्टाइन ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर अपने आप को एक तरीके से डेवलप करता है और फिर जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से बॉडी में पैरालिसिस जैसे इशू भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आर्टिकल है साइंस पेज पर ही, इसमें एक्सरसाइज के बारे में बता रखा है कि एक टाइम होता है 40 ईयर एज के बाद में जो हमारा ब्रेन है वो कम ग्रो होने लग जाता है, ब्रेन की जो एक पावर जो होती है नई चीज़ें सीखने की वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर क्या किया जाए, अगर जो है एक्सरसाइज की जाए तो एक्सरसाइज के साथ में बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो हमेशा हाई रहता है। ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा तो आपकी जो सेल्स हैं वो हमेशा रिजुविनेट होती रहेंगी, और एक तरीके से यंग जो पर्सन है उसी की तरीके से आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है वो वर्क करता रहेगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बता रखा है। इसके अलावा स्पेन में कुछ एंशियंट जो सिविलाइजेशन है उसके लेकर के कुछ ह्यूमन के जाज मिले हैं, मतलब कुछ एक्सप्लोरेशन किया गया है जिसके बेसिस पर ह्यूमन की कुछ बॉडी के अवशेष मिले हैं, जिसके बेसिस पर ये माना जा रहा है कि हो सकता है कोई एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर पता चल सके, या फिर ये पता चल सके कि ह्यूमन जो है वो किस तरीके से, ऐसा बोलते हैं ना कि मंकी से हमारा ओरिजिन हुआ है, तो किस तरीके से मंकी के बाद में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मंकी में कि ह्यूमन की जो प्रेजेंट टाइम की जो स्पीसीज है वो इरेक्ट हो पाई। तो इन सभी का जो एक सीरीज है उसके बारे में और अदर फैक्ट्स जो हैं वो नए इंक्लूड हो सकते हैं। मंकी पॉक्स को लेकर के भी आज आर्टिकल आया है, और इसमें ये बता रखा है कि मंकी पॉक्स वायरस इस तरीके से भी स्प्रेड होने लग गया है कि कुछ केसेज ऐसे मिले हैं जिसमें जो पर्सन है उसमें कोई भी उसको मंकी पॉक्स से रिलेटेड कोई भी उसमें जो भी बेसिक चीज़ें शो होनी चाहिए कि हाँ ये मंकी पॉक्स से अफेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब उनके रिसर्च की गई, जब उनके टेस्ट किए गए तो वो मंकी पॉक्स से अफेक्टेड देखने को मिले हैं। तो ये कुछ नया इशू है।
सॉरी नेट तो सही, एक मिनट, वन सेकेंड, एक सेकेंड, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का जो नेक्स्ट पेज जो है एफएक्यू पेज, उसके बारे में अगर हम बात करें तो एफएक्यू पेज पर जो आर्टिकल है इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है कि अभी हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने ये डिसीजन लिया है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है उसमें कुछ चेंज किए जाएंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि जो नया फ्रेमवर्क लाने की कोशिश की जा रही है उसको कुछ टाइम के लिए ओपन रखा गया है, सभी अपने सजेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले भी इसको ऐसे तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्या होता है कि पूरे वीक में क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहा उसके बारे में द हिंदू में संडे को इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल आते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसमें बता रखा है कि सबसे पहले तो 1986 का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, इन सभी में ये चेंजेस करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हेड बनाया जा रहा है कि अब उसको एम्पावर किया जा रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पर या कॉरपोरेट बॉडीज एयर वाटर लैंड इन सभी को अगर पोल्यूट करें तो आपको एम्पावर है, आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। पहले क्या था, पहले सीपीसीबी क्या करता था कि कोई भी इंडस्ट्रियल बॉडी जो है उसको उसके जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको इम्प्रिजन करने में उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एनवायरमेंटल वायलेटर्स देखने को मिलता था तो उनका शटडाउन भी कर सकता था सीपीसीबी। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हमने सजेशन मांगे हैं इसमें क्या क्या चेंज किए जा सकते हैं। देखो हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि पहले क्या होता था कि एनवायरमेंट का अगर वायलेशन कोई पर्सन करता है तो उसको क्या कर दी जाती थी, जेल कर दी जाती थी, लेकिन अब ये बोला गया है कि नॉर्मली बेसिस पर अगर एनवायरमेंट का यहाँ पर डिग्रेडेशन किया जाता है तो जेल नहीं की जाएगी, बस फाइन यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन अगर रिग्रेस बेसिस पर एनवायरमेंट को डिग्रेड किया जाता है तो यहाँ पर जेल की जाएगी 5 साल की और जो फाइन है वो भी इम्प्लीमेंट होगा, और अगर फिर भी वायलेशन किया जाता है तो डेली बेसिस पर जो फाइन है वो इम्प्लीमेंट होगा और जो जेल टर्म है उसको भी 7 ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। ये डिसीजन लिया गया है कि हम एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट करेंगे, वो ऑफिसर जो हैं इस तरीके की जो भी इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, उनको व्यू करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। एक फंड बनाया जाएगा और इस फंड में डिसीजन ये उस फंड में जो भी इससे जो कंपनसेशन रुपए आएंगे कि मान लो एनवायरमेंट का किसी ने नुकसान किया और उसके कंपनसेशन में जो पनिशमेंट उसको दिया गया तो उस रुपए को इस फंड में डाला जाएगा, उस फंड का यूज किया जाएगा एनवायरमेंट के अपग्रेडेशन के लिए। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बात रखी है कि देखो एनवायरनमेंट के लिए जब आप एक ऐसा फंड बनाओगे तो इसको लेकर के आपको क्लियरली यूज़ होना चाहिए, क्लियरली ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस फंड का कैसे यूज़ करना है, उस फंड को कैसे रेगुलेट करना है, नहीं तो इसकी वजह से जो एक तरीके से बहुत सारी इल्लीगल तरीके से इस फंड का यूज़ गलत तरीके से किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पर बात रखी है कि हमें एक जो है एक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, तो ऑफिसर जो है वो रेगुलेट करेगा कि एनवायरमेंट का जो है वो डिग्रेडेशन किया है या नहीं किया है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से जो ब्राइबरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो इन सभी को भी रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ ऐसी बेसिक प्रोविजन इंप्लीमेंट करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मणिपुर में जो अभी लैंडस्लाइड देखने को मिला है उसके बारे में है। तो यहाँ पर मणिपुर में जो इश्यू हुआ है, देखो 2005 में डिसीजन लिया गया तो यहाँ पर आसाम और मणिपुर की बॉर्डर पर है जिरीबाम, इस जिरीबाम एरिया को कनेक्ट किया जाएगा मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल उसके थ्रू और यहाँ पर आसाम के थ्रू। ओके, ये सारी कनेक्टिविटी इसलिए बनाई जा रही थी कि जो अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी करने के लिए 10-12 आवर्स लगते थे वो अभी 3-4 आवर्स जो हैं इसको लगे, मतलब टाइम जो है वो डिक्रीज हो सके।
अब यहाँ पर ये इशू हुआ कि लैंडस्लाइड क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इजे रिवर है उसमें इशू क्रिएट हुआ। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें उनकी डेथ भी हो गई है। तो इसको लेकर के जो यहाँ पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट थी, जो हमारी मिनिस्ट्री थी, रेलवे मिनिस्ट्री, इन्होंने रेलवे के जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बात रखी कि यहाँ पर जो झूम कल्टीवेशन जो होती है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं, उसकी वजह से इशू क्रिएट हुआ है। अब ये इशू उसकी वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है, या फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट के हिल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ का जो हिली रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, अभी यंग स्टेज में है, मतलब वो अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाया है। और आप वहाँ पर इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हो तो जो पहले से ही स्टेबल नहीं है उसको और ज़्यादा आप अनस्टेबल कर रहे हो, जिसकी वजह से भी ये इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में रख रखा है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इन सारी चीज़ों के वजह से हो सकती है। यहाँ पर कुछ बेस्ट चीज़ें, बेस्ट एग्जांपल शो कर रखे हैं कि देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इस तरीके की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करनी भी पड़ेंगी आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है वहाँ पर तो हमें कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो है वो हमेशा से मेनलैंड इंडिया से अपने आप को अलग मानता था, तो वहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो इस तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो टाइम के साथ में अपराइजिंग होगी, अपराइजिंग होने की वजह से जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें क्या करना होगा कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेगुलर करनी होंगी, ताकि वहाँ के लोगों का मेनलैंड इंडिया से कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो सके। तो इसके लिए हमें जो है टाइम टू टाइम अदर अदर एरियाज़ में इस तरीके की एक्टिविटी हुई है और इस तरीके के इश्यूज़ भी क्रिएट हुए होंगे, तो वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट हमने किया है उन सभी को भी हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो इश्यूज़ हैं ये लैंडस्लिप के वो ना हो सके। अब यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की गई थी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से ये जो इशू है वो हो सकता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप सभी को पता है कि स्पेसिफिक हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर इस तरीके की कल्टीवेशन को फॉलो किया जाता है। इसमें किसी एरिया का जो फॉरेस्ट एरिया है उसको काटा जाता है, उस एरिया को बर्न किया जाता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर कल्टीवेशन एग्रीकल्चर की जाती है, फिर इस एरिया को छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे एरिया में अपने आप को शिफ्ट कर लिया जाता है, फिर इस एरिया में दोबारा से जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव होने लग जाते हैं, फिर कुछ टाइम में आदमी आकर के यहाँ पर एक सर्किल के बेसिस पर चलता है, कुछ टाइम में दोबारा से आकर के इस एरिया को फिर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके की एक्टिविटी ना सिर्फ हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इसके अलावा मेनलैंड इंडिया में भी इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पर इस तरीके की फार्मिंग जो स्टाइल है उसको बोलते हैं बेवार या फिर दहिया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा के नाम से बोलते हैं, ओडिशा में इसको पामा डाबी के नाम से जानते हैं और या फिर कोमान के नाम से जानते हैं, और वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर ब्रिंगा कुमारी के नाम से इसको जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो मैक्सिको और जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पर इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। वेनेजुएला की बात करें, अमेरिका और वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला और अमेरिका में इसको कोनुको के नाम से जानते हैं। बात कर लेते हैं अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, वहाँ पर इसको रोका के नाम से जानते हैं, और सेंट्रल अफ्रीका में इसको मसोले के नाम से जानते हैं। ओके, ब्राज़ील में इसको लदांग के नाम से जानते हैं इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, और इंडोनेशिया और वियतनाम में इसको रे के नाम से जानते हैं। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो ना सिर्फ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बल्कि जो अदर एरिया है वहाँ पर भी इनको फॉलो किया जाता है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसके अलावा Q&A सीरीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए। सर जो हैं वो आपके लिए NCERT सीरीज भी उन्होंने स्टार्ट की है, उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में उसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।